आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि कैसे आप जीमेल में आए हुए मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप जीमेल आईडी में कोई भी मैसेज को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रह जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप ईमेल आईडी के आए हुए मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जीमेल आईडी से यहाँ से बैक आ जाना है। जीमेल आईडी से बैक होने के बाद पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च करना है जीमेल। तो चलिए मैं यहाँ से जीमेल को सर्च कर लेता हूँ। जीमेल को सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल के यहाँ से डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे जो ऊपर में दिख रहा है फ्रेंड्स के सबसे ऊपर में जो ये जीमेल लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है प्राइमरी लिखा हुआ है और यहां पे प्रमोटेड और यहां पे सोशल मैसेज और यहां पे जो न्यू अपडेट आया हुआ न्यू मैसेज है वो आपको यहां पे दिखाएगा। तो इस तरह से जो भी मैसेज को आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर देखिए प्राइमरी वाला मैसेज है और आप यहाँ पर अगर चेक कर देंगे ये सारा जितना भी प्राइमरी मैसेज है ये सारा देखिए यहाँ पे चेक हो गया। और एक चेक होने के बाद देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिखाएगा आपको यहाँ से डिलीट का। तो देखिए ये डिलीट वाला आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, आप डिलीट वाले आइकॉन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मेल का सारा भी जो भी मैसेज आपने यहाँ पे चेक किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो मैं तो सारा मैसेज डिलीट नहीं करूँगा फ्रेंड्स, तो चलिए मैं फिर भी आपको एक दो मैसेज आपको मैं डिलीट करके परमानेंटली दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से डिलीट करने के बाद भी मैसेज परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ से देखिए एक मैसेज को चेक करने दिया और आपको यहाँ पे इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो मैसेज है यहाँ से परमानेंटली अभी डिलीट नहीं हुआ है। आपको यहाँ से मैं कम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेस का, तो आपको इस ट्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए जितना भी मैसेज है यहाँ पे आ जाएगा जो जो आपने डिलीट किया है जीमेल आईडी से, तो ये सारा मैसेज आपका यहाँ पे शो कर जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं ये सारे मैसेज को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेक बॉक्स वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ से टच करना है। टच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये सारा मैसेज यहाँ से मेरा चेक मार्क हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिलीट वाला आइकॉन दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे डिलीट फॉर एवर का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से डिलीट फॉर एवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ से डिलीट फॉर एवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स हमारा जो मैसेज है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेस्कटॉप, तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे नो कन्वर्सेशन इंटरेस्ट और यहाँ पे जो मेरा फाइनली मैसेज परमानेंट डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने ईमेल में आए हुए मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो सारा मैसेज शायद चेक मार्क नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा से फिर से इसे चेक करता हूं और यहां से फिर से मैं इसे यहां पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहां पे डिलीट कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं एम्पैथी ट्रेस नाउ का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर अभी कोई भी मैसेज नहीं है जो मैंने डिलीट किया था, और जो ट्रेस में आ जाता है वो मतलब परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने ईमेल में आए हुए मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।